ट्रेन नंबर है उनका 24867 है जी बाबू जी, और मेहमान AS2 कोच मार रहे हैं। बाबू जी आप आराम से सो जाइए, मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा और मेहमानों को भी ले आऊंगा। ठीक है ठीक है, देख लेना आप। जी छोड़ 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 किसी छोड़ जी, तो सोने गए, अब हम मेन डोर कैसे खोलेंगे यार? मैंने इसे उठा। ज्वाला और बंटी भी सो गए और सुक्कू तो फोन ही नहीं उठा रहा है। डॉली को पूछे। हेलो मिस शुगर कैंडी, और ये क्या है? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमें अंदर तो आने दे। सब सो गए ना? हाँ सो गए। मोहन कितने भी बुरे दुश्मन दे दे, लेकिन इसे कजिन्स किसी को ना दे। सुमित से अकेले मिलने का सारा प्लान खराब कर दिया। इधर रख दो। विशु क्या कर रही है? उसे लग जाएगा। बिग डील, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल के कंपनी से एक्सचेंज करवा लेंगे। ओए चुप रह। विशु हो गया। उमेश भैया चलो चलते हैं, और तू उसको खोल के तुझे जो डेट वेट करनी है तू कर ले, ठीक है? विशु हमें क्या जल्दी है, रुक जाते ना ये थोड़ी देर। हाँ लेकिन हम रुक के क्या करेंगे, कीर्ति अपने आप फिगर आउट कर लेगी ना। तुम चलो। अरे निशु रुक ना यार, वो कीर्ति फिगर आउट तो कर लेगी, लेकिन उस सुकू को फोन कर लेता हूँ। सुकू को क्यों फोन करना? पार्टी शार्टी तो बनती है ना रितेश के साथ। हाँ। उसी बहाने हमें इसे जान पहचान करने का मौका मिल जाएगा। फोन करता हूँ। ये पार्टी की करनी है। वेट हो रहा है, जल्दी आ। मैं तो यही हूँ, आप रहे थे। तुझे तेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास ही होगा ना। नहीं है ना? नहीं है। अबे ये क्या है? कीर्ति के लिए अमेरिका से गिफ्ट आया है, पर वो खोल ही नहीं रही। खोल ना। देखा कोई नहीं है, कहा था ना सब सो रहे होंगे। नहीं नहीं सुमित, पक्का किसी ना किसी कोने में छुपे हुए होंगे। सोचती बहुत। क्या हुआ? कोई नहीं है ना? आप दोनों इस वक्त सर पे क्या कर रहे हैं?
वो शादी की इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी ना इसलिए। अच्छा हम वो किसको क्या क्या गिफ्ट देने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब डिस्कस कर रहे हैं। चलो फिर हम चलते हैं। एक्चुअली मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि एक कपल एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं उतना ही उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। हाँ डॉली तो चलो लेट्स कम्युनिकेट। क्या हुआ तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कौन आ गया? सुबह सुबह की हवा में क्या ताजगी होती है उमेश भैया। हाँ सुबह सुबह उठने का मजा ही कुछ आ रहा है सुकू। गुड मॉर्निंग दादाजी। आप भी मॉर्निंग वॉक पे आए ना? हाँ कभी कभी मैं भी सुबह 3 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं दादाजी, हवा चल रही है और हम भी चल रहे हैं। तुम्हारी अकल कब चलनी शुरू होगी? शादी ब्याह का घर है, हजार काम होते हैं घर में, सोने नहीं जाओगे? दादाजी बस अब जल्दी सोने की तैयारी कर रहे थे, लोग सुबह जल्दी उठ जाते हम सुबह जल्दी सोते, बस जा ही रहे थे। यही गुड मॉर्निंग, गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट दादाजी। सुकेतु जी। दादाजी तुम्हारा फोन। थैंक यू दादाजी। तेरा फोन दादाजी के पास था? हाँ मैं बच गया, मैं मर गया। आप इतनी रात को डॉली दी से छत पे बातें करने आए हो? और क्या करने आऊंगा कीर्ति? रियली सच सच बताओ वरना मैं डॉली दी को बता दूंगी कि आप मुझे अपने ड्रीम्स में देखते हो। तुझे कैसे पता इस बारे में? पता चल जाता है। चलो सुमित जो बात करनी है वो कर लेते हैं। हाँ चलो 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 भाई, रात बहुत हो गई है, हम सबको भी सोने चलना चाहिए। अरे उस अमेरिकन को तो हम वही भूल गए। अबे ये कौन है? अबे किसे उठा ले? प्लान तो रितेश को उठाने का था ना। मुझे क्या पूछ रहा है, इसको पूछना। तुम लोग हमेशा मुझे कहीं ना कहीं फंसाओगे देखना। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? तू क्या कर रहा है? तुम मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तुम क्या कर? सुकू चलो चलो मेरे साथ, रवि खो गया है। What do you mean, खो गया है? हाँ मैंने उसे सब जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला, और तो और उसका फोन भी यहीं पड़ा है। वो तो अपना फोन छोड़कर टॉयलेट तक नहीं जाता। अब तो सब आपके ऊपर है रवि भाई, यहाँ आपने मुंह खोला और वहाँ ये सारी फोटो बाहर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और खुद को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम इस किडनैपिंग के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपना मुंह बंद रखो। बस बस मुझे गेस्ट हाउस छोड़ दो, मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। साहब मैंने एक लड़की को देखा था जिसने जींस पहना था। निशा, हो सकता है निशा हो। हमें अभी के अभी गंगवाल हाउस जाना चाहिए। अभी? हाँ मैं अभी लीला आंटी को उठाती हूँ। संभाल के संभाल के। अब
यहाँ से तो तुम चले रहोगे ना? हाँ, थैंक यू वो सही सलामत छोड़ने के लिए। सॉरी अगेन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।